नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैंने ये वीडियो आपको ये बताने के लिए बनाया है कि क्या करें अगर आपके बच्चे के दांतों में कीड़ा लग जाए। पहली बात, घबराने की बात नहीं है, किसी भी उम्र का बच्चा हो उसके दांतों के दूध के दांतों का इलाज हो सकता है। आपको सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बच्चों के दांतों के विशेषज्ञ जिसको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट बोलते हैं उसके पास विजिट करने का तुरंत प्रभाव से जरूरत है। आशा करता हूं आप तब नहीं जगे हैं जब बच्चे को रात भर नींद नहीं आ रही है या मुंह में सूजन आ गया है। आशा करता हूं कि आपको तभी एक डेंटिस्ट को ढूंढ रहे हैं जब छोटा सा घाव, छोटा सा निशान आपको दांत के ऊपर दिख रहा है। इन केस आप लेट हो गए हैं, बच्चे के मुंह के बाहर सूजन है, रात रात भर दर्द होता है, तो भी चिंता की विषय नहीं है। अपने एक पास ही बच्चों के डेंटिस्ट को ढूंढिए और उसके पास जाइए और वहां पे इलाज करवाइए। जब भी आप एक बच्चों के दांतों के विशेषज्ञ के पास जाएंगे वो सबसे पहले ज्यादातर केसेस में एक्सरे लेना चाहेगा। एक्सरे देख के वो आपको बता पाएगा कि दांतों की कीड़ों की समस्या कितनी गंभीर है, उसका क्या इलाज किया जा सकता है। बिना एक्सरे देखे कई बार अंधेरे में तीर चलाने जैसी बात होती है। छोटे छोटे एक्सरे होते हैं जिनको हम IOPS पेरियोपाइकल रेडियोग्राफ्स बोलते हैं। उन एक्सरे की मदद से दांतों की कीड़ा कितना गहरा है, नस से कितना दूर है, दांतों की जड़ की स्वास्थ्य कैसा है, पक्का दांत कैसा बन रहा है, ये सब चीजें पता की जा सकती है। एक्सरे होने के बाद छोटे बच्चों का दो तरीकों से इलाज किया जा सकता है। या तो एक ही बार बच्चे को बुला के हॉस्पिटल में भर्ती करवा के 24 घंटे के लिए बच्चे को बेहोश करके एक साथ इलाज किया जा सकता है, या फिर उसी बच्चे को बार बार बुला के धीरे धीरे हल्का, पहले हल्का दांतों का काम करके फिर भारी दांतों का काम करके दांतों का काम खत्म किया जा सकता है। ये डेंटिस्ट और आपके डिसीजन के ऊपर है कि आप कौन सा रुख अपनाना चाहते हैं। ज्यादातर बच्चे को बार बार बुलाने से, सही तरह से डेंटिस्ट्री करने से, पहले ही दिन दर्द वाली डेंटिस्ट्री ना करने से ज्यादातर समझदार बच्चे कोऑपरेट करना चालू कर देते हैं, उनको बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर यही एक बहुत छोटी उम्र के बच्चे में, 3 साल का बच्चा है और उसके बहुत ज्यादा दर्द वाला काम है कि हर अपॉइंटमेंट में दर्द वाला ही काम हो रहा है, या बच्चा स्पेशल है जो समझता नहीं है, या बहुत छोटा है और दर्द ज्यादा है, तो ऐसे बच्चों को बेहोश करना ही बेहतर रहता है क्योंकि वो बार बार पेनफुल डेंटल ट्रीटमेंट का ट्रॉमा नहीं ले पाते हैं। प्राय हुए ज्यादा रोने वाले बच्चे, छोटे बच्चों में एक अच्छा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड इनहेलेशन सीडेशन या फिर हैप्पी एयर। इससे छोटे छोटे बच्चों का जो घबराते हैं उनका भी इलाज किया जा सकता है और जनरल एनेस्थीसिया जैसी चीजों से अवॉइड किया जा सकता है। तो एक ऐसा डेंटिस्ट ढूंढिए आपके आसपास जो नाइट्रस ऑक्साइड सीडेशन यूज करता हो, तो ज्यादा चांसेस है कि आपका बच्चा उस सीडेशन में ज्यादा कंफर्टेबल रहे। एक बार डेंटिस्ट आपके दांतों का इलाज कर दे, चाहे वो बच्चे को सुला के किया हो, बेहोश करके किया हो, या बार बार बुला के किया हो, अब आपका मुश्किल और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम चालू होता है। वो है वो गलतियां ना दोहराना जिन पहले घर की गलतियों से बच्चों के दांतों में कीड़ा लगा था। अच्छा खाना, अच्छी ब्रश करना, हर 6-6 महीने उस डेंटिस्ट को बार बार जाके दिखाना कि डॉक्टर साहब देखो और कोई नई परेशानी तो नहीं है। फिर से आप एक नए दर्द का इंतजार करेंगे और डेंटिस्ट के पास जाएंगे, तो यह अप्रोच बहुत गलत है। इससे बच्चे के दांतों का बहुत नुकसान होता है। तो एक बार इलाज कराने के बाद घर की आदतें सुधारिए। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है, दांतों के कीड़ों से कैसे बचाव होता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इलाज होने के बाद घर पे आदतें सुधारिए और अपने डेंटिस्ट पे भरोसा करके उसको हर 6-6 महीने दिखाइए। वो हो सकता है हर 6-6 महीने आपको एक दांतों पे पेंट करने की सलाह दे जिसको फ्लोराइड वार्निश बोलते हैं, जिससे बाकी दांतों पे कीड़ा नहीं लगता है। एक इंपॉर्टेंट टाइम आता है डेंटल में जो कि है 6 साल। 6 साल में हर बच्चे के आसपास, 6 साल के आसपास 4 पक्के दांत पीछे उगते हैं जिनको फर्स्ट परमानेंट मोलर बोलते हैं। जिन बच्चों में दूध के दांतों में कैविटी की हिस्ट्री होती है, कीड़ा लगने की हिस्ट्री होती है, उन बच्चों के दांत उगते ही प्रिवेंटिव फिलिंग्स कर दी जाती है जिनको बोला जाता है पिट एंड फिशर सीलेंट। दूध के दांत में अगर बच्चे ने कैविटी लगाई है तो चांसेस है वो पक्के में भी लगा लेगा। तो बेस्ट अप्रोच यही रहता है कि पक्का दांत जैसे ही उगाए उसमें प्रिवेंटिव फिलिंग हो जाए, कीड़ा लगने से पहले की फिलिंग,
ये एक वैक्सीन की तरह होता है, जैसे पोलियो की खुराक पोलियो लगने से पहले दी जाती है, वैसे दांतों में भी फिलिंग कर सकते हैं अगर बच्चे में चांसेस ज्यादा हैं कि ये पक्के दांतों में भी कीड़ा लगा लेगा। आप बस इतना ध्यान रखिए, किसी भी बच्चे के डेंटिस्ट को पकड़िए, उस पर भरोसा करिए और उसको हर 6-6 महीने दिखाइए। आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने बच्चों के दांत का इलाज कराने में सहायता मिली होगी, थोड़े भ्रम दूर हुए होंगे। वीडियो अपने बच्चे में कैविटी, दांत में कीड़ा लगने से पहले देख रहे हैं, या आपके घर में दूसरे बच्चे हैं जो भी कैविटी फ्री हैं, छोटे बच्चे हैं, ध्यान रखें हर बच्चे का पहला डेंटल चेकअप उसके पहले जन्मदिन पे, हाँ 12 महीने की उम्र पे हो जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा 12 महीने की उम्र से ही एक किड्स डेंटिस्ट बच्चों के दांतों के विशेषज्ञ को दिखा रहा है तो उसको कभी जनरल एनेस्थीसिया, दांत निकालने, गंभीर डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ऐसा कोई कीड़ा नहीं होता है जो ऐसे चलने वाला हो और दांत में लगा हुआ हो। मैंने सुना है बहुत सारे दांत लोग दांत का कीड़ा कान के रास्ते से निकाल के दिखा देते हैं। दांत में कीड़ा लगने का मतलब होता है दांत में बैक्टीरिया खाने पे चिपके हुए थे, उन्होंने दांत को खोखला कर दिया और दांत में खड्डा बन गया है, उसी को जलो कीड़ा बोलते हैं। ऐसे आंखों को दिखने वाला चलने वाला कीड़ा नहीं होता है, कैविटी जो है कीटाणुओं का खेल है जो आंखों को नहीं दिखती है। धन्यवाद।